हम लोग 140 करोड़ का और उससे भी ज्यादा लोग भारत में विभिन्न राज्य में और यूनियन टेरिटरी में बस बस करते हैं। और हम लोग ना, हम लोग स्टेट का हो या फिर यूनियन टेरिटरीज में हो, हम लोग एवरी 5 ईयर्स में हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं, ये स्टेट जो विधानसभा होता है वो स्टेट के लिए हम लोग चुनते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, आप हो सकता है किसी राज्य का बिलोंग करते हैं या किसी यूनियन टेरिटरी में बिलोंग करते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि अगर होगा, सटीक जानकारी नहीं होगा कि हमारा स्टेट में कितनी विधानसभा सीट है। और हम लोग को जब 18 ईयर्स एज हो जाता है, हम लोग जब वोट देने के एलिजिबिलिटी प्राप्त हो जाता है, हमको ये जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। आइए, मैं हमारा भारतवर्ष और यूनियन टेरिटरीज में कितनी एमएलए सीट्स प्रत्येक स्टेट में है, मैं आप लोग को अवगत कराऊंगा। ये उत्तर प्रदेश 404, और ए में जो स्टार मार्क दिया हूं, इसका अर्थ है, ये स्टार का मीनिंग है 1%, ये गवर्नर रेस्पेक्टिव 1% इज टू बी नॉमिनेटेड बाय हनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट एज ए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये स्टार का मीनिंग एक है, एक स्टार मतलब 1% और जुड़ जाएगा, एक एंग्लो इंडियन उसमें जुड़ा है। तो उत्तर प्रदेश 404, महाराष्ट्र 289, वेस्ट बंगाल 295, ये स्टार का मीनिंग मतलब दैट इज इंक्लूडेड, एंड बिहार 243 एमएलएच, तमिलनाडु 235 इंक्लूडिंग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वन नॉमिनेटेड, 231 मध्य प्रदेश, 225 कर्नाटक, 182 गुजरात, 200 राजस्थान, आंध्र प्रदेश 175, उड़ीसा 147, केरला 141, तेलंगाना 120, असम 126 एंड झारखंड 81, पंजाब 117, छत्तीसगढ़ 91 एंड हरियाणा 90, उत्तराखंड 70, हिमाचल प्रदेश 68, अरुणाचल प्रदेश 60, यूरेडिया 60 एंड गोवा 40, मणिपुर 60, मेघालय 60, त्रिपुरा 60, मिजोरम 40, नागालैंड 60 एंड लास्ट स्टेट सिक्किम 32। आइए हम यूनियन टेरिटरीज को अगर जाएं, उनका जो एमएलएज है, दिल्ली 70 एंड पॉन्डिचेरी 30, सो अदर यूनियन टेरिटरीज इज निल। सो दीज आर द एमएलएज सीट्स अवेलेबल इन आवर स्टेट्स, रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मैंने आपको लोकसभा का डाटा रखा, इलेक्टेड एमपीज, सिलेक्टेड एमपीज आज पर नॉमिनेशन एंड इलेक्टेड एमएलएज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। आइए, आप लोग का स्टेट में कितनी एमएलएस हैं और कितनी सीट्स हैं, बींग एन इंडियन सिटीजन एंड वी आर द एस्पिरेंट ऑफ वोटर्स टू सिलेक्ट द एमएलएज एमपीज फ्रॉम आवर स्टेट, हमको जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को कैसे लगा ये कंपैरिजन स्टाटा, ये कंपैरिजन स्टेट डाटा यूनियन टेरिटरीज के, आप लोग इसको एक जीके का तरह यूज करिए और ज्ञान का तरह आप लोग दूसरों को भी शेयर करने में मदद करिए। धन्यवाद।